सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र में युवती ने बच्ची को जन्म दिया है। युवती के प्रेमी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती गर्भवती हो गई तब युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। बिना शादी के बच्चा जन्म होने के बाद से परिजन काफी परेशान है और मदद की गुहार लगाई है। शादी नहीं कर लड़की अच्छी अब आज क्या हुआ है आपको अभी? हम राशन ब्याह शादी के लोग दाके रखे तब तो माँ बाप गरीब थे नहीं कहीं ना हमारा माँ बाप नहीं जानत रही आई एकरा से प्रेम केने रह की कहे तोरा से हम ब्याह शादी करबे तोरा से ब्याह शादी करबे से की कहे छो से तू अपना माय बाप के नहीं कहिए अन हमरा माय बाप के कहिए तो ई की कहे छे कहे ना अपना माय बाप के कहबे हम की कहे ना हम तोरा से ब्याह शादी के आले हां ओकर बात की भेले से बोला तब वह बच्चा रह गेले ना समाज जान ले हां समाज जान ले समाज की कहलके समाज कहलके की कहे छे पर पंचायती बैठले बुझलिए पर पंचायती बैठले त की कहे छे कहे से पहिने त छोड़वा कहे शादी करबे पाछू कहलके हम नहीं करबे ओकर माय और पढ़ा देले। परिजनों ने युवक पर शादी का दबाव बनाने के लिए पंचायत भी बुलाई लेकिन युवक नहीं माना। वहीं युवती का कहना है कि वो उस युवक को बच्चे का पिता घोषित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराएगी और आखिरी दम तक न्याय के लिए लड़ेगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।